तुम देख लेना ब्रह्मलला, मैं कुरुओं को ऐसे काट के गिरा दूंगा जैसे किसान खेत काटता है। और हम पिताश्री के आने से पहले ही विराट नगर में होंगे, और जब पिताश्री को यह पता चलेगा कि उनके पुत्र ने इस बीच कुरु शक्ति की पीठ को धूल चढ़ा दी है, तो वो कितने प्रसन्न होंगे। राज, ये ध्वज गंगा पुत्र भीष्म का है, ये आचार्य द्रोण का है, वो नीला ध्वज कुलगुरु कृपाचार्य का है, और वो जो ध्वज बीच में लहरा रहा है वो दुर्योधन का है। वो दुशासन है, वो सूत पुत्र कर्ण, और वो द्रोण पुत्र अश्वत्थामा है। ये सेना है या सागर? भृनला, इस सेना से तो देवताओं की सेना भी नहीं जूझ सकती। इस सेना सागर का तो दूसरा तट तक नहीं दिखाई दे रहा। मेरा धनुष मेरे कंधों से सरका जा रहा है। मेरे वाण मेरे तुनीर में छिपने का स्थान खोज रहे हैं। गंगा पुत्र भीष्म, आचार्य द्रोण, कृपाचार्य, महारथी दुर्योधन, कर्ण, विकर्ण, दुशासन, अश्वत्थामा, अरे भृनला, इनसे तो युद्ध की स्वयं इंद्र तक नहीं सोच सकते। और मैं तो फिर भी केवल एक बालक हूँ। पिताश्री तो स्वयं सारी सेना लेकर एक सुशर्मा से जुड़ने चले गए, और मुझे 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 इन महारथियों के वन को काटने के लिए अकेला छोड़ गए। नहीं ब्रेनला, नहीं, मुझे तो युद्ध का अनुभव ही नहीं। ब्रेनला, चलो लौट चलते। ब्रेनला, लौट चलते। नगर वाले इसे लौटना नहीं भागना कहेंगे। युवराज, आप एक क्षत्रिय हैं और युद्ध के आरंभ से पहले ही पराजय स्वीकार किए ले रहे हैं। राजकुमारी अपनी गुड़ियों के लिए मुझसे कपड़े मांगेंगी तो मैं क्या करूंगा? हाँ, मुझे अपने प्राणों की पड़ी है, और तुम गुड़ियों के लिए वस्त्र की बात कर रहे हो? आप कुरु सेना को हराने का वचन देकर चले थे युवराज, और मैं गुड़ियों के लिए वस्त्र लाने का वचन देकर। वहां नारियों के सामने तो बड़ी डिंगे मार रहे थे। आप युद्ध करें या ना करें, मैं युद्ध अवश्य करूंगा। मैं विराट नगर की नारियों के व्यंग के वाण खाने को तैयार नहीं हूं युवराज। हाँ, नारियां व्यंग करती है तो करें, किंतु मैं इन महारथियों के साथ युद्ध नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। मैं युद्ध नहीं कर सकता। मुझे भाग जाने तो ब्रिनला। मैं तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, 1 सोने का रथ भी दूंगा, मतलब ही नहीं, 10 हाथी भी ले लो। मुझे भाग जाने दो, मुझे भाग जाने दो। नहीं। यदि युद्ध करने का साहस नहीं तो मेरे स्थान पर बैठ जाइए, क्योंकि मैं रणभूमि से भाग नहीं सकता, इसलिए युद्ध तो अवश्य होगा। आपके स्थान पर मैं युद्ध करूंगा। क्षत्रिय तो वही है जो अपने भय को अपनी शक्ति बना ले। डरना लज्जा की बात नहीं, परंतु डर कर भागना किसी क्षत्रिय को शोभा नहीं देता। युवराज, लीजिए। नहीं, अब उस वृक्ष की ओर चलिए, चलिए। रोको युवराज।
युवराज इस वृक्ष पर चढ़ जाओ। इस वृक्ष पर चढ़ जाऊं? क्यों? क्योंकि तुम्हारा यह धनुष एक खिलौना है। इस वृक्ष पर चढ़ जाओ, वहां एक पोटली है, उसे नीचे ले आओ। जाओ जाओ युवराज।